Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. I just want to wish you a very happy new year and hope karti hu ye wala saal aapke liye bahut 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 khushiyan laaye. In this vlog, I'm going to share with you what I pack in my baby's diaper bag. Hope karti hu aapko ye video achhi lagegi. So, this is the diaper bag I'm using. ये इवान को मेरे बेबी शावर पर मिला था इवान को. सो या इसमें मैं सारा डायपर का जितना भी सामान होता है वो सारा रखती हूँ. तो लेट्स स्टार्ट विद डायपर्स फर्स्ट. सो या इट्स अ डायपर बैग. सो या डायपर्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है. तो ये ना मैं ज़िपलॉक बैग में डायपर्स डाल के रख लेती हूँ. तो इट्स जस्ट लाइक 4 or 5 डायपर्स. एंड इसके साथ ना मैं एक शीट डाल लेती हूँ. तो इससे क्या होता है कि जैसे कहीं भी अगर बीच में रुकते हैं हम, रेस्टरूम वगैरह जाना हो, इवान ने लाइक पीपी या फूफू कर दिया हो, तो मैं फटाफट से ये ग्रैब करूँगी और मैं इजीली जा सकती हूँ. तो ये बहुत ही एक इजी हैक है. ये मैंने कहीं यूट्यूब पर देखा था. तो या यू ऑल्सो ट्राई दिस, इट्स वेरी इजी हैक. सो या आई पुट दिस इन द बैग. एंड या After that we need wipes. So मैं ना अभी ये वाले wipes use करती हूँ. ये Kirkland brand के हैं, Kirkland baby wipes. Fragrance free हैं ये और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे. तो एक मैं ये वाला wipes जो है वो use करती हूँ और मैं ये भी अपने bag में रख लेती हूँ. तो ये तो हो गया हमारा diaper का. इसके बाद उसकी baby की food की बारी आती है. तो मैं उसका फूड का रखती हूँ एक ऐसे बैग में. तो आप देख सकते हो ये बैग बहुत ही क्यूट है, छोटा सा. ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था. एंड अगर आपको भी इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. इट्स वेरी नाइस एंड क्यूट बैग एंड इसकी कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है. तो इसमें ना मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या रखा हुआ है. तो इसमें मैंने 2 bottles रखी हैं. ये मैं बॉटल्स रख लेती हूँ. और इस बॉटल के अंदर मैं थोड़ा सा पानी जो है वार्म करके रख लेती हूँ. इससे क्या होता है इसमें काफ़ी देर तक वार्म रहता है पानी. तो फिर अगर बीच में कभी भी मुझे चाहिए हो, मिल्क बनाना हो, तो मैं ये पानी डालती हूँ और मैं बना देती हूँ फॉर्मूला डालकर मिल्क. एंड ये मैं ना 2 pouches रखती हूँ अपने साथ. ये 2 pouches हैं. लाइक आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हो. इवान को ये काफ़ी पसंद है ये लाइट सेट. तो वैसे तो मैं घर पर जो है वो फ्रेश ही बनाती हूँ, बट इन केस अगर हमें कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो मैं इमरजेंसी के लिए ये वाले पाउचेस रखती हूँ. तो इट्स रियली नाइस. तो ये हो गया हमारा फूड. एंड यस, इसको मैं अगर मुझे पाउचेस को खिलाना हो तो मैं ये रखती हूँ अपने पास, बोल एंड स्पून. तो इससे मैं इजीली उसको फीड कर सकती हूँ. तो यार ये था हमारा फूड का और ये था डायपर का. एंड उसके बाद ये मेरे पास, इसमें मैंने कुछ बिब्स रखे हुए हैं. तो मैं आपको दिखा देती हूँ. ये तो सिलिकॉन वाला बिब है. ये वाला जो बिब है ये जैसे मैं इवान को फूड खिलाती हूँ तो वो गंदा कर लेता है, तो ये बहुत इजीली ना क्लीन हो जाते हैं और गंदा नहीं करता ड्रेस को. तो एक तो मैं ये रखती हूँ. बाकी जैसे अभी वो ड्रूलिंग इन ऑल करता है हर वक्त, तो मैं ये एक्स्ट्रा बिब्स जो हैं ये मैं रखती हूँ अपने बैग में, डायपर बैग में. तो ये हो गए बिब्स. एंड लाइक आई फीड माई बेबी फॉर्मूला, सो आई पुट द फॉर्मूला मिल्क. लाइक मैं इस बॉटल्स में फॉर्मूला मिल्क डाल देती हूँ और ईजी रहता है उसको ट्रांसफ़र करना बॉटल के अंदर. तो मैं इसमें, मेरे पास ये 3-4 bottles हैं, मैं उसी में डालती हूँ. नेक्स्ट थिंग इज बेबी के लिए मैं ये ड्रेस रखती हूँ, एक एक्स्ट्रा ड्रेस. कभी भी अगर वो गंदी कर दे तो चेंज करने के लिए. आजकल जैसे काफ़ी सर्दी है तो मैं ये कैप एक उसके लिए रखती हूँ. दैट्स इट. एंड ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा एक ज़िपलॉक बैग में एक्स्ट्रा डायपर्स एंड एक शीट रखी हुई है, सो दैट
अगर आपको चाहिए हो, अगर आप रास्ते में बेबी कुछ कर दे तो ये मेरे पास हैंडी होता है, मैं इसको बैग में से निकालती हूँ एंड देन आई जस्ट ग्रैब इट एंड देन गो टू द रेस्ट रूम एंड यूज़ इट. सो ये ना मैं शीट एक एक्स्ट्रा इसलिए भी रखती हूँ क्योंकि वहाँ पर यू नो बहुत सारे बेबीज आते हैं, डायपर चेंजिंग स्टेशन में बहुत सारे बेबीज चेंज करते हैं तो वो थोड़ा सा अनहाइजीनिक सा हो जाता है. तो मैं ये वहाँ पे पहले तो वाइप से खुद क्लीन करती हूँ एंड देन आई प्लेस दिस शीट एंड देन मैं बेबी को उस पर रख कर उसका डायपर चेंज करती हूँ. तो यार दीज आर लाइक 2-3 पैकेजिंग्स मैं बना के रखती हूँ अगर लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो. अगर 1-2 आवर्स का ट्रैवल है और लाइक अगर आप जस्ट यू नो 2-3 आवर्स के लिए बाहर हो तो आई थिंक एक भी बहुत है. लेकिन अगर आप थोड़ा लंबे टाइम के लिए बाहर हो तो आप 2-3 पैकेजिंग ऐसी कर सकते हो. और या सो दिस इज द बूगी वाइप्स दैट आई यूज फॉर बेबीज यू नो स्टफी नोज एंड या दीज आर रियली नाइस. सो ये यूज करती हूँ अगर उसकी बूगीज साफ करनी हो. आई कैन ऑल्सो क्लीन हिज फेस विद दिस. सो या दीज आर रियली नाइस. नेक्स्ट थिंग आ जाती है ये मैं एक कैरी करती हूँ. सो इट इज़ फॉर बेबीज दिस पैसिफायर्स. एंड वैसे तो अभी इवान इतना यूज़ नहीं करता है पैसिफायर्स, लेकिन कई बारी वो क्रैंकी हो जाता है रास्ते में, उसको नींद आ रही होती है तो आई यूज़ दिस एट दैट टाइम और वो थोड़ा सा इससे लेकर सो जाता है. बट दिस इज जस्ट फॉर यू नो कभी कभी, ऐसे हमेशा नहीं. तो बट स्टिल आई कीप दिस इन द बैग. एंड नेक्स्ट थिंग इज टॉयज. मैं कुछ टॉयज रखती हूँ इवान के लिए उसके बैग में और ये टॉयज ना थोड़े इंटरेस्टिंग से हैं तो उसको थोड़ा सा एंटरटेन करके रखते हैं. तो आप कुछ भी एक तो टॉयज रख सकते हो अपने बेबी के बैग में. मैं ये टॉयज रखती हूँ. तो ये एक बुक सी है जिसमें पोएम्स हैं, ये म्यूजिकल राइम्स बुक है तो विच इज़ वेरी नाइस. उसको बहुत अच्छा लगता है, वो ओपन करता है बंद करता है एंड इस पर म्यूजिक बजता है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है. क्वाइट एंटरटेन्ड रहता है वो पूरे ट्रैवल में. एंड नेक्स्ट थिंग इज एक और टॉय. ये मैं टॉय ये इंडिया से उसकी नानी ने भेजा था तो मैं ये भी रखती हूँ कार में. तो या वेन एवर ही इज क्रैंकी आई डू लाइक दिस एंड इज हैप्पी इज अ हैप्पी बेबी अगेन. सो या सो दीज आर द थिंग्स आई थिंक मैंने आपको मोस्टली सारी चीज़ें जो भी डायपर बैग में हमें रखनी होती हैं, रखनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है. And I think, yeah, oh, one more thing. This is the sanitizer that I keep in the bag for myself. हाथ मेरे dirty हो जाए, कुछ हो जाए तो मैं ये sanitize कर लेती हूँ अपने hands को. तो yeah, this is it. And अगर आपको और कोई suggestions देने हो, अगर आपको लगता है मुझे और मुझे बताइए कि मुझे और क्या रखना चाहिए अपने baby के diaper bag में, तो your suggestions are most welcomed. And with this, I end my vlog and I hope you like it and Happy New Year guys. Thanks for watching. Bye.